हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर यहाँ पे मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे इमोजी नेम कैसे आईडी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव इमोजी नेम आईडी बना के दिखाने वाला हूँ, तो बस बने रहो वीडियो में, वीडियो को जरा सब स्किप मत करना। तो मैंने यहाँ पर अपनी आईडी को लॉगिन कर दिया, जो मेरी आईडी अपडेट नेम से वापस आ चुकी है। आपको डोंट अपडेट कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चूज़ फाइल की बात कर लेते हैं। तो चूज़ फाइल में आपको वो स्क्रीनशॉट डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पे इमोजी लगा देनी है अपनी। तो मतलब जो भी आपको इमोजी एक्सेप्ट करवानी है वो आपके ऊपर मैटर करता है। तो मैं तो यहाँ पे इस वीडियो में ये वाली इमोजी एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपनी इमोजी लगा दी है। तो जैसे मैंने ये लगाई है, सेम इसी तरीके से आपको लगा देना है। और मैं इस वीडियो में ये वाला जो सिंबल है, तो ये सिंबल मैं एक्सेप्ट करवा के दिखा रहा हूँ आपको। तो आपको करना कैसे, किस तरीके से आपको इमोजी नेम आईडी बनानी है, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो बस बिना स्किप किए वीडियो को वॉच करना। उसके बाद यहाँ से ये जो सैम्पल मैंने कॉपी किया है, इसको लास्ट बॉक्स में आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर वाले बॉक्स से लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे वाली टैप में पेस्ट करके सर्च कर देना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर से आपको चूज़ फाइल में आ जाना है। चूज़ फाइल में आने के बाद आपको अगेन वो स्क्रीनशॉट डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। इतना करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नेम में वो निकनेम डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम लिया था। उसके बाद लास्ट बॉक्स में कोई भी दो कैपिटल वर्ड लगा देने। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे करना होता है सबमिट। सबमिट कैसे करना है, सैम्पल वाले बॉक्स को फर्स्ट टैप में और निकनेम वाले को सेकेंड टैप में। तो मैंने यहाँ पे कर दिया अपने सैम्पल को सबमिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैंपल है वो यहाँ पे फेसबुक टीम को सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देनी है अपनी आईडी को लॉकआउट, और आईडी लॉकआउट करने के बाद यहाँ पे कर लेना है कुछ देर का वेट। तो जैसे ही मेरी आईडी का सैंपल एक्सेप्ट होता है, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैंपल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे मैं अपनी आईडी को लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी आईडी के जो पासवर्ड है, पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे इसको लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर शायद मेरा नेट की वजह से थोड़ा इशू चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कर लेते हैं कुछ सेकेंड का वेट। तो यहाँ पर बस कुछ सेकेंड का वेट कर लेते हैं गाइस, क्योंकि कभी कभी नेट भाग जाता है इधर उधर घूमने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैम्पल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी इमोजी भी एक्सेप्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट नेम कर देना है। तो जैसे ही आप अपडेट नेम करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे गो टू न्यू स्वीट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने हमारी जो आईडी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपनी आईडी की जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेकआउट करवा देता हूँ। तो आप यहां पे देख सकते हो मेरी आईडी का जो सैम्पल है वो यहां पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। और जो मेरी आईडी का निकनेम है वो भी आप देख सकते हो, जो मैंने अपील करते टाइम यहां पे जो निकनेम डाला था अली खान, तो मेरा वही निकनेम है। उसके बाद आपको यहां पे करना क्या है, तो सबसे पहले मैं यहां पे अपना जो निकनेम है उसको डिलीट कर देता हूँ। निकनेम डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरे निकनेम के बाद। अब आपको मैं बता देता हूँ आपको हार्ट नेम, वो आपको जो इमोजी है वो कैसे शो करवानी है आईडी पे। तो आपको यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है, उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से नाम चेंज ऑर्डर कर लेना है, और आपको यहाँ पर नाम चेंज ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आप मेरी ट्रिक से करोगे तो मैं 110% बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे नाम चेंज ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों की ये प्रॉब्लम रहती है। मतलब वो सैम्पल तो एक्सेप्ट करवा लेते हैं, लेकिन उनको जो है ना नाम एक्सेप्ट का वो ऑप्शन नहीं आता है। तो कोई मसला नहीं है यार, मेरे ट्रिक से करोगे ना तो मैं 110% बोल रहा हूँ आपको नाम चेंज ऑर्डर मिलता रहेगा। हर आईडी पे आपको नाम चेंज ऑर्डर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी आईडी की जो इमोजी है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से शो हो चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस कर दो ताकि आने वाला नोटिफिकेशन